क्या छोटे, सीआईडी गाड़ी में तो चिप लगाया था, वो बराबर काम कर रहा है, खबर तो मिल रही ना? जी बॉस। बॉस अब भी दया और अंशा का पीछा करना चालू रखूं? तो फिर जब तक मैं ना ना बोलूं उनका पीछा जारी रख। अरे मम्मी पापा आइए आइए। और भाई सब कुछ प्लान के हिसाब ठीक है चल रहा ना? जी हाँ पापा सब ठीक है। मैंने सीआईडी की हर गाड़ी में एक चिप लगवा दी, उससे वो कहाँ आते हैं कहाँ जाते हैं सारी खबर हम तक आती है। अब एक चिप उस ब्यूरो में लगाना है जिससे कि उनकी एक एक मूवमेंट का पता हमको चलता रहेगा। ये प्लान भी तो मैंने ही दिया कि अंशा दया को अपने प्यार के जाल में फांस ले। अरे प्यार में तो बड़े से बड़ा आदमी चूहा बन जाता है। ये क्या कह रहे हैं आप? ये सब आपका प्लान था? इसका मतलब आज तक आप सीआईडी के खिलाफ मुझे इस्तेमाल करते रहे? अंशा बेटी, वो बेटी मत कहिए मुझे। आप ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं? मैं कोई मजाक नहीं कर रही, मैं सच में दया से बहुत प्यार करती हूँ। आपने ऐसा क्यों किया? क्यों किया? पूरे प्लान पे पानी फिर जाएगा। बंटी तुम लोग जाओ, अब देखो वो बचने ना पाए, उसने सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया। ये चलो रे, जल्दी करो। और हम अपना अगला प्लान शुरू करते हैं। अब बस एक कर आप पकड़ना उसको। ये रोड पूरा ढूंढ गया बॉस, कहीं नहीं है। अरे इधर ही तो आया था, गया किधर? बॉस अगर वो सीआईडी का आदमी था तो सीधा ब्यूरो की तरफ गया होगा। ये ठीक है, चल ब्यूरो की तरफ देखते हैं। मुझे ये वीडियो हर हाल में अभिजीत सर तक पहुंचानी है। अरे कृष्णा मैन आइए आइए, यही खाका देने आई थी, सोचा आपको भी देती चलूं। थैंक यू कृष्णा मैन, थैंक यू। वैसे तो आपके हाथ के खाकरे की टेस्ट मुझे बहुत पसंद है। सचिन ये है कृष्णा मैन खाकरा वाला। जय अम्बे। इनके खाकरे की टेस्ट बिल्कुल इनके जैसी ही खरी है। आओ साची बात छे। और एक बात सचिन, कृष्णा मैन हमारे सीआईडी के जैसे ही हर प्रॉब्लम को अपने ही अंदाज में सॉल्व करते हैं। सर इनकी दुकान कहाँ है और कहाँ रहती है? अगर कभी खाकरा खाने का या इनसे मिलने का दिल हो तो। हाँ हाँ, मैं तो यही रामबावड़ी है ना, वहीं रहती हूँ। और वैसे भी सचिन इन्हें मिलने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है, ये तो 29 नवंबर से हर सोमवार से शुक्रवार तक रात को 8 बजे हमें सोनी एंटरटेनमेंट चैनल पर मिलेंगी। फिर तो हम जरूर देखेंगे कृष्णा बहन खाकरा वाला। अच्छा तो चलती हूँ, आओ जो। हाँ जय अम्बे। जय अम्बे। क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ? सर हम आपको शादी का आमंत्रण देने आए हैं। अच्छा किसकी शादी है? सर ये मेरी भतीजी अंशा है, कल इसकी सगाई है और 2 दिन बाद शादी, और आप लोगों को जरूर आना है। बड़ी अच्छी बात है, बधाई हो बेटा, बड़ी खूबसूरत बच्ची है ये। वैसे आई एम सॉरी मगर मैंने पहचाना नहीं आप लोगों को। नहीं नहीं सर, हम पहले कभी नहीं मिले, मगर आप दूल्हे को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। दूल्हे को अच्छी तरह से जानता हूँ मैं, और मुझे पता नहीं किसकी शादी है। सर मेरी अंशा की शादी आपकी ऑफिसर दया के साथ हो रही है। क्या दया के साथ? दया के साथ शादी? और
तुम्हें पता ही नहीं? सर, उन्होंने आपको कुछ बताया नहीं? नहीं, उसने कभी साफ साफ कुछ बताया ही नहीं। कमाल है, तुम्हें पता था? नहीं सर, बिल्कुल नहीं। लेकिन ये बड़ी खुशी की बात है, शादी में तो हम जरूर आएंगे। दया तो मेरे लिए बेटी जैसा ही है। सही है आपके लिए। सर प्लीज, थोड़ी मिठाइयां हैं। Congratulations. Hi. Daya? Ye lo. Mithai khao, mithai. Daya, tumhari shaadi ho rahi hai? Ji sir. Par tumne bataya tak nahi hai. Sir, wo मैं आपको बताना ही चाहता था सर, पर सब कुछ इतनी जल्दी में हो गया कि सर, इसमें इनकी कोई गलती नहीं है। एक्चुअली मेरी फैमिली अगले हफ्ते लंदन जा रही है और वो चाहते थे कि उनके जाने से पहले मेरी शादी हो। सर प्लीज, आप इनसे नाराज मत होइए। अरे नहीं नहीं, नाराज क्यों होगा भाई, इतनी खुशी की बात है, हम तो सभी आने वाले हैं शादी में। थैंक यू सर, अब हम चलते हैं, कल सगाई की बड़ी तैयारियां करनी है। चलिए मैं आप लोगों को बाहर तक छोड़ देता हूँ। अभिषेक, अजीब बातें, दया ने शादी, तुम्हें बताया था उसने? नहीं, हाँ नहीं, मैंने उसको बोला कि सर को बता देते हैं, पर वो एक्सक्यूज मी सर, एक अर्जेंट फोन करना था, मैं अभी फोन क्यों नहीं उठा रहा है? बस कैसे भी करके ये सड़क पार कर लूं, सीआईडी पहुंचा और ये वीडियो अभिजीत सर को दे दूं, बस। ये तो मुझसे पहले यहां पहुंच गए ताकि मैं सीआईडी तक ना पहुंच सकूं। अभिजीत सर, मैं मंगू, मुझे सबूत मिल गए। सबूत मिल गए? हाँ सर, ये सब सीआईडी और दया सर के खिलाफ एक चाल है सर। क्या बात कर रहे हो मंगू तुम? हाँ सर, सर मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, वीडियो भी बनाया सर। सर मुझे मैडम है ना अंशा, वो भी इसमें शामिल है सर। Oh my God, तुम अभी कहाँ पे हो? सर मैं पास में ही हूँ सर। तुम जल्दी से ब्यूरो में आ जाओ, मैं तुम्हारा यहीं पे इंतजार कर रहा हूँ, समझे? मेरे आजू-बाजू बहुत से गुंडे सर, मैं वहाँ नहीं पहुँच सकता। अरे उन गुंडों की ऐसी की तैसी, तुम जहाँ पे वहीं रुको, मैं तुमको आता हूँ लेने। सर ज्यादा देर नहीं रुक सकता सर, सर आसपास में ही है सर। वो सबूत, सबूत कहाँ है? सर मैंने वो सबूत एक चिप पर डाल के छुपा दिया है सर। कहाँ छुपा है? सर मैं पायरी रोड के एक पीछे से बोल रहा हूँ, वहाँ पर एक ट्रक खड़ा था, उस ट्रक में मैंने वो चिप छुपा दिया। उस ट्रक का नंबर है Z02। कैसे आ रहे मंगू? मंगू! My God, लगता है उन्हें मंगू मिल गया। टायर के मार्क कैसे, कहां से कहां
यहाँ तक आ गए हैं। पता नहीं चला होगा कि मौत आई कब। नहीं सचिन, उसे पता था, उसने मौत को आते हुए देखा था। ये आपको कैसे पता? बस पता है मुझे, ऐसे पता है। सर मुझे मालूम है इस आदमी का खून। मालूम? या हालत देखकर वही तो लग रहा है। नहीं सर, इसने मुझसे मरने से पहले बात की थी। क्या? इसने तुमसे मरने से पहले बात की थी और तुमने मुझे बताया तक नहीं? सर कैसे कैसे बताता मैं? कैसे बताऊं का क्या मतलब है अभी? तुम्हें मालूम है ना सीआईडी में कोई भी बात छुपाई नहीं जाती। सर इस खून का दया के साथ कनेक्शन है। क्या कहा? दया के साथ? हाँ। ये कैसे हो गया अभी? कैसे हो गया ये? सर ये आदमी मेरा खबरी था, अंगू। इसे मैंने एक काम पे लगा रखा। कैसे काम पर? सर मैंने इसे दया की होने वाली वाइफ के पीछे लगा रखा। शर्म नहीं आई तुम्हें अपने दोस्त पर जासूसी करते हुए? सर आपको याद है जब अंशा का एक्सीडेंट हुआ था मॉल में, तो मैं और दया उसे मिलने हॉस्पिटल गए थे। याद है मुझे। तो वहां पे हॉस्पिटल में एक और आदमी भी था सर, बंटी। कौन है ये बंटी? सर ये दाराकी का भतीजा है। क्या कहा? बंटी दाराकी का भतीजा है? अब वो वहां हॉस्पिटल में था? हाँ। का मतलब है दया की होने वाली पत्नी अंशा किसी बड़े अपराधी के रिश्तेदार को जानती है? सर जानती ही नहीं, वो खुद दराकी के रिश्तेदार है। वो दराकी की भतीजी है सर, और ये बंटी उसका उसका कजिन। अंशा दराकी की भतीजी है? ये तुम्हें कब पता चला? सर 2 महीने पहले। अभिजीत 2 महीने से तुम्हें पता था, तुमने मुझे बताया तक नहीं। और अभिजीत दराकी सिर्फ हमारा ही नहीं, हमारे देश का सबसे बड़ा अपराधी है, ये तुम्हें मालूम है ना? दया इस बारे में जानता है? क्या जानता है? और फिर भी शादी? सर अंशा ने पटा दिया कि उसका रिश्तेदारों से कुछ लेना देना नहीं, इसलिए दया शादी करने के लिए तैयार है। अभिजीत अगर ये बात तुम्हें मुझसे छुपानी ही थी तो फिर तुमने अंशा के पीछे एक आदमी क्यों लगाया जासूसी करने के लिए? सर दया मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, मैं सिर्फ उसकी खुशी चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता था उसके साथ जो पहले हुआ वो दोबारा हो, पर वही हुआ जिसका मुझे डर था। क्या हुआ? सर दया को प्यार के नाम पे फिर से धोखा मिला। मेरे खबरी मंगू ने बताया कि सर अंशा के खिलाफ उसे सबूत मिला। सबूत? कैसा सबूत? सीआईडी के साथ चाल चल रही है सर। ये तुम क्या कह रहे हो अभी? मतलब किसी को पता चल गया कि अंशा की सच्चाई मंगू के हाथ लगी है, इसीलिए मंगू को खत्म कर दिया था। जीत के बड़े डेंजरस लोग हैं, खतरनाक है ये लोग। लेकिन मरते मरते मंगू के अच्छा काम कर गया सर। जो सबूत का वीडियो उसने बनाया था उसे एक चिप में डाल के छुपा गया है। कहाँ पर ये चिप? सर एक ट्रक में। उस ट्रक का सिर्फ आधा ही नंबर बता पाया वो मैं। और एक अच्छी बात, वो ट्रक उस वक्त मायरी रोड पे खड़ा हुआ था। हमें किसी भी हालत में इस ट्रक तक पहुंचना ही होगा। सचिन काका, ट्रक का पता लगाना ही होगा। यह है ट्रक का नंबर, अधूरा है। किसी भी हालत में ढूंढो इस ट्रक को। दया की जिंदगी का सवाल है, जल्दी। अभिजीत दया की शादी रोकनी ही होगी। सर आप लोग आ गए। अच्छा सर आप लोग आ गए। आप लोग के बिना तो ये सगाई हो ही नहीं सकती थी। सॉरी दया, मगर ये सगाई अब भी नहीं होगी। क्यों सर? इस सगाई हम होने नहीं देंगे। ये आप क्या कह रहे हैं सर? ये ठीक कह रहे हैं दीदी, ये सगाई नहीं हो सकती। उससे बात क्या है, कोई प्रॉब्लम है? दया दरबार सर, ये मेरे अपने लोग हैं सर, मेरा अपना परिवार। आप इन लोगों के सामने बात करें।
हुआ दया? ये नमस्ते सर, ये हमारी सगाई रोकना चाहते हैं। मैं इनसे कारण पूछ रहा हूँ। देखो दया, हम सब तुम्हारी खुशी चाहते हैं, लेकिन वो खुशी तुम्हें इनसे नहीं मिल सकती। ब्याह, सगाई, शादी, ये सब एक बड़ा प्लान है, चाल है, और मैं इनके मुंह पे कहूंगा ये अंशा भी इन सब में भी नहीं होती। सारा प्लान रचा हुआ है तुम्हें फंसाने के लिए। ये आप लोग क्या कह रहे हैं सर, ये सब झूठ है। मुझे मालूम है कि अंशा ने मेरे साथ कभी कोई धोखा नहीं किया। दया, तुम मंगू को जानते हो? वो खबरी। हाँ, वो खबरी। उसे अंशा के खिलाफ कुछ सबूत मिल गया, इसलिए इन लोगों ने उसे मार डाला। इन लोगों ने? हाँ। अंशा की वजह से उसके उसकी मौत हुई? हाँ। और अगर तुम्हें मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो तुम खुद अंशा से पूछो। अंशा, तुम बताओ ये क्या कह रहे हैं? तुम इस आदमी के बारे में जानती हो? दया, मेरा यकीन करो, ये क्या कह रहे हैं मुझे कुछ नहीं पता। अच्छा, तुम जरा ये फोटो देखो। इस आदमी को देखा है तुमने पहले कभी? इसको? पर इसको क्या हुआ? ये मंगू है, इसे देखा है ना तुमने? तुम इस आदमी को जानती हो? अच्छा, तुम इस आदमी को कैसे जानती हो? दया, मैंने इसे कई बार अपने आसपास देखा, मुझे लग रहा था वो मेरा पीछा कर रहा था, पर अब समझ में आया कि किसके कहने पर वो मेरा पीछा कर रहा था। इस आदमी के खून से तुम्हारा कोई लेना देना तो नहीं? कैसे बातें कर रहे हो दया, मैं किसी को क्यों मारूंगी? सुन लिया विजय, होश में आओ दया, होश में आओ। सर, मुझे इसकी बात पर पूरा यकीन है, ये मुझसे झूठ नहीं बोल सकती। दया, बस अभी चलते, यहाँ पे बहुत सारे मेहमान आए हुए हैं और काफी तमाशा हो चुका उनके सामने, अब बस करते हैं। एक मिनट दया, दया हमारे पास वो सबूत है अंशा के खिलाफ जो मंगू ने इकट्ठा किया था। कैसा कैसा सबूत है? सबूत मैंने अब तक देखा नहीं है, मगर मंगू ने अपनी जान पर खेल कर वो सबूत इकट्ठा किया है और छुपा के रखा है। सर, आपने खुद नहीं देखा है और बिना देखे आप अंशा को कसूरवार ठहरा रहे हैं? सर, मुझे इस पर पूरा विश्वास है, मुझे मालूम है कि ये मेरे साथ कुछ गलत नहीं कर सकते। अभिजीत, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं। तुमने मुझसे कहा कि एसीबी साहब को कुछ मत बताना अंशा के बारे में, और तुमने खुद अपने खबियों को लगा दिया उसके पीछे। सर, मुझे सीआईडी अपनी जान से बढ़कर है सर, पर अंशा मेरी जिंदगी है, मैं दोनों के बिना जी नहीं सकता। मैं ये सगाई करूंगा सर, और आज ये सगाई होके रहेगी। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग मुझे अपना प्यार और आशीर्वाद देने जरूर आएंगे। चाहे कुछ ना भी किया, मगर तुम ये तो जानते हो कि उसके परिवार में एक बहुत बड़ा अपराधी है। इसके बावजूद भी अगर तुमने ये सगाई की तो तुम सीआईडी में नहीं रहोगे। सर, परिवार में किसी एक आदमी के अपराधी होने से पूरा परिवार गलत नहीं हो जाता सर। माफ कीजिए सर, मुझे भूलना नहीं चाहिए, पर आज ये कहना पड़ेगा कि आपका बेटा भी तो एक मानव अपराधी है सर, मगर आप अभी तक किसी भी बने हुए सीआईडी में, तो मैं क्यों नहीं रह सकता? हाँ, वो मेरा बेटा था, वो मेरा बेटा, मगर उस पर गोली मैंने चलाई अपने हाथों से।
ना मैंने तुम्हें गोली चलाने के लिए कहा, ना अभिजीत को। कोई भी रिश्ता नाता मेरी बंदूक से चली हुई गोली को रोक नहीं सकता। अगर वो गोली अपराधी को लगनी है तो लग कर ही रहेगी। अगर तुम मेरे बेटे होते ना तो सर तुम्हें गोली चलाता। क्या हो गया? होना क्या था? इस अंशा ने दया को अपने जाल में पूरी तरह फंसा रखा, रोती सूरत बना के बैठ गई और अपने दया सर पिघल गए। सबको रोकने का एक ही तरीका है। वो क्या सर? अंशा के खिलाफ सबूत लाके दया के सामने रख देंगे। बस सबूत देखेगा तभी मानेगा, ऐसे तो सुनने को तैयार ही नहीं। मजनू बना घूम रहा है। जो मंगू ने ट्रक का आधा नंबर दिया था उससे कुछ पता चला सर? सर मैंने आरटीओ में फोन करके पता किया तो पता चला कि ऐसे 23 ट्रक हैं जिसके नंबर वैसे ही हो सकते हैं सर। 23 ट्रक, ठीक है। 23 के 23 ट्रक ढूंढो, एक एक कंपनी में जाके पता करो कौन सा ट्रक था जो शाम को मायरी रोड पे था। सबूत उसी ट्रक में है। नंबर का ट्रक आपने? जी हाँ। कहाँ पे है ट्रक? क्यों, आप आरटीओ से आए हो चेकिंग करने? जी नहीं, सीआईडी से। सीआईडी से? आप बताओगे इस नंबर का ट्रक अभी है कहाँ? ये ट्रक अभी, देखो ठीक से सोच के बताओ, 2 दिन पहले ये ट्रक मायरी रोड गया था? मैं देख के बताता हूँ। ये ट्रक गई है वासी, ये ट्रक गई है भिवंडी और ये ZZ027589 ये ट्रक है। अभी कहाँ है वो ट्रक? पनवेल। पनवेल? हाँ सर, वो शायद वापस भी आ रहा होगा। सच कह रहे हो तुम? हाँ सर। ये कार्ड अपने पास रखो और जैसे ट्रक वापस आता है फोन करो भैया। जी सर। सुनो, हाँ सर, ड्राइवर का नाम क्या है? गणेश। गणेश, ठीक है। कहाँ? पनवेल में। तो ठीक है, अभी निकलो उसके पीछे, शायद रास्ते में मिल जाए। वेरी गुड, बहुत टाइम के बाद एक अच्छी खबर मिली है। यार हम भी तो सुने ही, अच्छी खबर क्या है? तुम यहाँ क्या कर रहे थे? अपनी शादी का न्योता देने आया। क्या तुम्हारी खुशी से बढ़कर हमारे लिए कुछ भी नहीं, ये तुम जानते हो। लेकिन अभी प्लीज तुम ये शादी मत करो। फिर वही बात, अब आज रात को मेरी शादी है अंशा के साथ। दया, हम लोग फटाफट वो सबूत ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं और उस सबूत के काफी पास तक पहुंच भी चुके हैं। एक बात तुम वो सबूत देखोगे ना, तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी। पर अभी ये शादी मत करो, मेरी बात मान लो। मैं बेवकूफ था जो तुम लोगों को ये शादी का न्योता देना चला है। मैं समझ गया बीजी, जलन के मारे तुम लोगों को और कुछ सूझ नहीं रहा है। मैं जल रहा हूं तुमसे? हाँ कमाल है। इन्विटेशन कार्ड है, खुशी खुशी मेरी और अनुषा की शादी में आना चाहते हो तो जरूर आना, नहीं तो थैंक यू। सचिन और ताशा उस ट्रक तक पहुंचने वाले हैं जिसमें वो सबूत है। जी तुम कभी हार नहीं मानोगे ना? ठीक है, कोशिश करो। मेरी शादी आज रात को है, उससे पहले अगर कोई सबूत जुटा पाए तो मैं अपनी शादी खुद रोक लूंगा और अंशा को भी मैं अपने हाथों से अरेस्ट करूंगा। इट्स अ डील। डील।
अरे भाई, अरे भाई क्या हुआ, ठीक तो है ना तू? मेरी मेरी मदद करो। हाँ क्यों नहीं, वो वहाँ एक्सीडेंट। कोई बात नहीं, चलो मेरे साथ चलो, मेरे साथ ट्रक में बैठो, यहाँ नजदीकी हॉस्पिटल है, मैं तुम्हें वहाँ छोड़ दूंगा। पहले मुझे थोड़ा पानी पिला दो। पानी? रुक, मैं भी लेके आता हूँ। हाँ भाई, काम हो गया, ट्रक अब हमारे हाथ लग गया। अच्छा, वो ट्रक का मालिक तो कह रहा था कि उसका ट्रक पनवेल से वापस आ। सर हम लोग पनवेल तक जाकर आ गए, अभी तक कहीं दिखा कैसे नहीं। सर उस चिप का मिलना बहुत जरूरी है। हाँ ताशा। अरे ये आदमी इस तरह सड़क पर क्यों खड़ा है? ठीक तो ना? जवाब तुम्हें साहब, साहब एक आदमी मेरे ट्रक लेके मांग गया। क्या नंबर है तुम्हारे ट्रक का? ZZ02 7589 साहब। 7589? तुम गणेश हो क्या? जी सर। आप कौन है साहब? सीआईडी सर। वो ट्रक को किस तरफ लेकर गया है? वो साहब इधर लेके गया था। तुम उधर जाना होगा, लेकिन उससे पहले तुम्हारे लिए एम्बुलेंस बुलाते हैं, चलो। नहीं सर, मुझे अपने साथ ही लेके चलो साहब। ठीक है, आओ गाड़ी में। इसका मतलब है कि उसे पहले से ही पता था कि हम उसका पीछा कर रहे हैं, इसलिए वो हमसे पहले उस तक पहुंचकर सारे सबूत मिटाना चाहता है। लेकिन ताशा, मैं ऐसा करने दूंगा तब ना? हमें सबूत चाहिए, और किसी भी हाल में चाहिए। सबूत के पीछे एक आदमी की जान भी जा चुकी है। मगर साहब, ऐसा कौन सा सबूत छुपा है मेरी ट्रक में तो सब उसके पीछे पड़े हैं साहब। देखो, दो दिन पहले जब तुम्हारा ट्रक मारी रोड गया था ना, तो किसी ने उसमें कुछ छुपा दिया था। छोटी सी चीज जो छुपाई गई है वो एक सिम कार्ड जैसा है, जैसे मोबाइल में होता है ना, बिल्कुल वैसा। सीआईडी, ये साले इतनी जल्दी यहां कैसे पहुंच गए? यार ये तो झोंक की तरफ पीछे ही चिपक गया, मर गया। हमें उसकी इतनी जरूरत नहीं है जितनी कि इस ट्रक की जरूरत है। तुम्हें काम करो, ट्रक लो और हमारी गाड़ी को फोड़ दो जल्दी। देखो ट्रक का कोना कोना छान मारो, वो चिप हमें मिलनी ही चाहिए। ने इस चिप को च्युइंगम से ट्रक के नीचे चिपकाया हुआ था, वो हमें जल्द से जल्द पहुंचना होगा। सर एक बात पूछूं? हाँ बोलो। सर हम तो दया सर की शादी रोकने जा रहे हैं, तो फिर इस तरह तैयार होकर क्यों जा रहे हैं? काजल, अगर टाइम पे वो सबूत नहीं मिला जो मंगू ने छुपा के रखा था, दया की शादी एक कोने में खड़े होकर देखनी पड़ेगी। ऐसे या वैसे शादी में तो जा ही रहे,
वेरी गुड, चिप को चला के देखते हैं। बेचारा मंगू, हमारे लिए उसने अपनी जान दे दी। ये चिप लगा के देखो, देखो इस वीडियो में क्या है। सीआईडी की एक एक गाड़ी में हमने चिप लगा, कहाँ आते हैं, कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं, सारी खबर हमारे पास है। और अब एक चिप ब्यूरो में भी लगाना है, इससे उनके मूवमेंट की एक एक बात हमको मालूम है। सीआईडी वालों को कम मत समझना, उनको हर चीज की खबर रहती है। आखिर ये आइडिया भी तो मैंने ही दी थी। ये क्या कह रहे आप? अगर ये देख के भी दया नहीं माना तो फिर समझ लो कि दया के दिल में अंशा के सामने सीआईडी की कोई अहमियत नहीं है। सचिन, एसीपी साहब को फोन करके बता दो कि हमें सबूत मिल गया है और हम शादी रोकने जा रहे हैं। क्या बात है दया, किसकी राह देख रहे हो? किसी की नहीं। दया, तुम मुझसे कुछ मत छुपा, मैं सब जानती हूँ। तुम एसीपी सर और अभिजीत का इंतजार कर रहे हो ना? सोचा था वो लोग जरूर आएंगे, मैं खुशियों में शामिल होंगे, पर वो तो कन्या को सिंदूर लगा दीजिए। उसके परिवार को गिरफ्तार करना पड़ेगा। ठीक है बेटा। डराकी को तो जानते हो ना? ये तो वही है ना जो सीआईडी से छुप के भाग रहा है। दया प्लीज, ऐसा कुछ मत करना। तो मेरे पिता समान है, वो हमें यहाँ बस आशीर्वाद देने आए हैं। अंशा, मेरा काम मेरे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। ये आदमी अपराधी है और इसे सजा दिलवाना है मुझे। और मैं आपकी पत्नी हूँ, क्या आप मेरी एक भी बात नहीं मानोगे? अंशा, तुम ये कहाँ गए? दया, दया!
इस बार सबूत हम लोग साथ लेकर आए हैं और ये सीडी हम लोगों ने खुद चेक की है। देखो दया, तुम्हारी पत्नी अंशा उतनी ही अपराधी है जितना कि उसका चाचा दरा। ये सीडी हम कहां चला कर देख सकते हैं? पता नहीं इन लोगों को हमारे रिश्ते से क्या प्रॉब्लम है, आज फिर ये सब। नहीं दया, तुम भी इनकी बातों में आ गए। अभी अभी हमारी शादी हुई है और हमें बधाई देने के बजाय ये लोग मुझ पर इल्जाम लगा रहे हैं। अभिजीत, तुम्हें पूरा यकीन है कि? मैंने कहा ना दया, मैंने खुद ये वीडियो चेक किया है और तुम्हारा देखना भी बहुत जरूरी है। इसका मतलब आज तक आप सीआईडी के खिलाफ मुझे इस्तेमाल करके रहे? कोई मजाक नहीं है, मैं सच में दया से बहुत प्यार करती हूँ। आंटी, आपने ऐसा क्यों किया? तो कैसी लगी आपको दया? क्या लगता है आपको दया ये सब सुन के फिसलेगा? फिसलेगा? जमीन पे लेट जाएगा वो। इतने के लिए तो मैं भी घबरा गई थी। इन्हीं आंसुओं से मैंने सीआईडी ऑफिसर दया को फंसा दिया। बेचारा बहुत साफ दिल का है। भले ही ये सब एक नाटक था। प्लीज दया, मेरा यकीन कर। हाँ, ये बात सच है कि एक प्लान के हिसाब से मुझे तुमसे मिलवाया गया। पर इसके बीच मुझे तुमसे सच में प्यार हुआ है दया। मुझसे शादी करूंगा? प्लीज मेरा विश्वास करो। अंशा, हर दिन हर पल तुमने मुझसे सिर्फ झूठ कहा है। दया, मैं नहीं जानती कि मेरे अंकल अपराधी है या नहीं, पर मैं बहुत इज्जत करती हूँ। और तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारी बातों पर विश्वास करूं? दया प्लीज, मैं सच कह रही हूँ। मैंने जो भी किया तुम्हारे लिए किया। मेरे अंकल खतरनाक है, बहुत खतरनाक, और मैं नहीं चाहती थी कि वो तुम्हें किसी भी तरह का नुकसान पहुंचाए। बस दया, इन सबको ब्यूरो लेकर जाना पड़ेगा। तुम लोगों का खेल खत्म, समझे? लाइट को क्या? अरे राजन, विवेक, देखो ये कहाँ गए? सब चले गए। गाड़ी क्या पास? लगता इधर से गए। पकड़ो इन्हें। अभिजीत, तुम बैठो। इस खेल की शुरुआत इन्होंने की है, खत्म नहीं करूंगा। दया, कहीं तुम गलत काम ना कर बैठे। सब गड़बड़ कर दी, पूरा प्लान बिगाड़ कर रख दिया। पता नहीं इनको कैसे सारे सबूत मिल गए। क्या करें? पहले तो हमें यहां से निकलना होगा। नहीं, कहीं भागने की जरूरत नहीं है, सब कुछ ठीक हो सकता है। दया अभी भी मंशा के प्यार में झूठ रहा है। हम दया को हथियार बना सकते हैं, फिर उसे सीआईडी के खिलाफ इस्तेमाल कर सकते। जल्दी आप पहुंचो, तुम लोग छुप जाओ, जल्दी। अंशा, 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 जब आ रहा हूं। दया अकेला है, तुम्हें करना पड़ेगा। गो। आओ तुम।
दोस्तों से, अपने साथियों से लड़ गया तुम्हारे लिए, और तुम, तुमने, तुमने मुझे धोखा दे दिया। प्लीज देव, मुझे माफ कर दो। I'm sorry देव, मैंने। तुम मुझसे प्यार करने का सिर्फ नाटक करती थी, तुमने मुझसे सच्चा प्यार किया ही नहीं, है ना? नहीं देव, प्लीज मुझे माफ कर दो। हम रिली सुनते हैं, प्लीज मुझे माफ कर दो। अच्छा फंसा तुमने मुझे। एक सीआईडी ऑफिसर होकर एक अपराधी से प्यार करने लगा मैं, उसे शादी की, छी! नफरत होने लगी है मुझे अपने आप से। मैंने कभी भी, तुम पर या तुम्हारे किसी भी बात पर शक नहीं किया। अंधा हो गया था मैं तुम्हारे प्यार में, अंधा, और आज और सच यही है कि इतना सब हो जाने के बाद आज भी मैं तुमसे उतना ही प्यार करता हूँ। और ये गलत है, गलत है ये, मुझे इसकी सजा मिलनी चाहिए। ना मैं तुम्हें छोड़ सकता हूं, और ना ही सीआईडी के बिना मेरा कोई वजूद है। मुझे तुम दोनों में से किसी एक को छोड़ना पड़ेगा, जो वो मैं कर नहीं सकता, वो मैं कर नहीं सकता। प्लीज क्यों नीचे करो दया, प्लीज मेरी बात मानो दया, प्लीज। रुक जाओ दया। बेवकूफ मत बनो, मेरे पास एक तरीका है जिससे तुम्हें ना ही अंशा को छोड़ना पड़ेगा और ना ही सीआईडी को, और इसके लिए तुम्हें अपनी जान देने की कोई जरूरत नहीं। वो कैसे? तुम सीआईडी में रहो और हमारे लिए काम करो। क्या? हाँ दया, प्लीज अंकल की बात मान जाओ, बस यही एक रास्ता है, और वैसे भी मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकती। शायद ये सही कह रहा है। वाह 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 वाह, देखो जी सीआईडी की शान, दया बिक गया, प्यार के लिए बिक गया, और वो भी नकली प्यार। दया, अंशा से बहुत प्यार करते हो, इसे मरते हुए देखना चाहोगे? अंकल आप क्या कर रहे हैं? चुप रहे, तेरी जान से कहीं ज्यादा जरूरी मेरी जिंदगी है। दया, बोल दो अपने साथियों को मेरे रास्ते से हट जाए, नहीं तो मैं इसे गोली मार दूंगा। सर प्लीज, सर ये ऐसे कुछ भी कर सकते सर, प्लीज। तुम्हें मालूम है दया, मेरे बीच में जो भी कोई आता है उसका क्या हाल करता हूं मैं, तुम जानते हो। हट जाओ, अब तुम एक सीआईडी ऑफिसर नहीं रहे, तो वैसे भी अंशा की जान जाने से उसके चाचा को कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे क्यों पड़ेगा? और तो और दया, ये लड़की अपने चाचा जैसे ही एक अपराधी है। अंशा की मौत से तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन दया, दया तो तुम्हारे बेटे जैसे है, उसको मरते हुए देखना चाहोगे? चलो। जाओ गाड़ी निकालो। अंकल आप दया को कहां ले जा रहे? ये अब मेरे लिए किसी काम का नहीं। ये आप क्या कह रहे हैं अंकल? ये आईडी को हमारे प्लान के बारे में पता चल चुका है, अब इसको अपने साथ रखने की कोई जरूरत नहीं। चलो, हो गया तुम्हारा नाटक, कम ऑन, बहुत हो गया।
वहीं रुक जाओ। एक कदम भी आगे बढ़ा तो मैं इसे एक और गोली मार दूंगा। तुझे तो छोड़ूंगा नहीं मैं। अभिजीत नहीं। अंशा, क्या मजाक है? कौन अंशा? मैं इंस्पेक्टर अनीला और मैं सिर्फ तुम्हारी भतीजी अंशा बनने का नाटक कर रही थी। क्या? पिछले दो सालों में अंशा के नाम से तुम हमारे साथ रह रही थी? जी अंकल जी। दया? सुनिए अंकल जी, तुम कैसे उठ गए? सीआईडी को बेवकूफ समझोगे वैसा ही होगा। अपनी अपनी घर इधर आओ, वरना तुम्हारे इस अंकल की खोपड़ी उड़ा दूंगा। आजा। विवेक, सचिन, चल को ले जाओ। सीधे चलो। वेरी गुड वर्क इंस्पेक्टर अनीला। थैंक यू सर। तुम एक दूसरे को जानते हो? हाँ। मतलब तुम सब मिले हुए हो? तुम्हारे घटिया प्लान के बारे में भी हम पहले से जानते थे, इसलिए तुम्हारे खेल में हम भी शामिल हो गए। अब थोड़ी बहुत एक्टिंग तो हम लोग कर ही लेते हैं। अगर तुम मेरे बेटे होते ना तो सर तुम्हें गोली चलाता। मेरी शादी आज रात को है, उससे पहले अगर कोई सबूत जुटा पाए तो मैं अपनी शादी खुद रोक लूंगा और अंशा को भी मैं अपने हाथों से अरेस्ट करूंगा। हमें मालूम था कि तुमने ब्यूरो में, गाड़ी में, सब जगह चिप लगा के रखे हैं, इसलिए हम लोग एक्टिंग करते रहे। बस एक गलती होगी, बेचारा मंगू मारा गया, पर उसकी सजा भी तुम्हें भुगतना है। फिर ये शादी करने की क्या जरूरत है? शादी से बढ़कर अच्छा मौका और क्या हो सकता था तुम्हें हमारे पास लाने का? हमें मालूम था कि तुम अपना प्लान कामयाब होते देखने के लिए तरस रहे होंगे, इसलिए शादी में जरूर आओ। मतलब ये सगाई, ये शादी, ये सब झूठ था? हाँ जी चाचा जी, ये सब झूठ था। वहां शादी में इतने सारे लोग थे कि खतरा था गोली वोली चलाने में, इसलिए तुम्हें वहां से बाहर निकल के पकड़ना जरूरी था। अब तुम दया पर गोली चलाओगे इसका हमें पूरा यकीन था, इसलिए दया इंस्पेक्टर अनीला चलो चाचा जी को उनका नया घर दिखाते हैं। नया घर? हाँ नया घर, जहां पर अब बची हुई जिंदगी बितानी है। तुम्हें जेल कहते हैं, जेल। चलो। यार दया, तुम्हारी हालत देखी नहीं जा रही है, बड़ा दुख हो रहा है मुझे। फिर से प्यार में तुमने धोखा खाया। ये किसने कहा कि प्यार में धोखा हो गया? वाकई प्यार हो गया था क्या? तुम नहीं सुनोगे जी? नहीं, अगर ये इंस्पेक्टर साहिबा वापस जाते जाते मुड़ती है तो इन्हें तुमसे प्यार होगा, और नहीं मुड़ी तो कोई बात नहीं, मुड़ जाइए। अरे मुड़ जाइए, अरे मुड़ जाइए। हो गई तसल्ली? कोई बात नहीं यार, ये नहीं तो कहीं और सही। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.